नमस्कार साथियों, 31 मई 2024 वार की यदि बात की जाए तो वार आज शुक्रवार है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के दम पर भारतीय सरसों के बाजारों ने हुंकार भरी, उसके ऊपर भी आएंगे। एक चीज चने और सरसों में जो लगातार चल रही है कि ऊपर के लेवल पर बिकवाले का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे सरसों में गिरावट आई तो नीचे बिकवाले का लेवल, खासतौर पर मैं यदि गाँव में बात करूँ तो गाँव में बिकवाले घट गई। जैसे ही बाजार ऊपर की ओर गया, जैसे ही खैरतड़ा मंडी, भरतपुर मंडी 6000 के आसपास गई, तो यहाँ पे बिकवाली बढ़ती हुई नजर आई। कमोबेश यही स्थिति चने में है। चने में भी ऊपर के लेवल पर मिलर्स जो हैं, खासतौर पे जो बड़े मिलर्स हैं दिल्ली में, उनकी लेवाड़ी घट जाती है। वहीं निचले लेवल पर जो बिकवाड़ है उसकी बिकवाड़ी खत्म हो जाती है। इन दोनों एग्री कॉमोडिटी में अभी जो स्थिति है, 24 घंटे से भी अधिक मंदी नहीं रुक पा रही है। बाजार मंदा होता जरूर है पर बिकवाली नहीं आती है। प्रेशर पॉजिटिव साइड ही बाजार ट्रेंड करने की ओर रहता है। आज भी दिल्ली जो 7050 का हो गया था, इस समय 7150 और 7200 के बाजार दिल्ली के बताए जा रहे हैं। अब KLC की बात करें, 86 रिंगट बढ़कर 4080 पर बंद होती हुई नजर आई। वहीं सी बोट सोया ऑयल भी 4600 सेंट के पार कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अब भारतीय बाजारों का रुख करें तो खड़ 2850, कच्ची घनी 118-119 के बाजार। वहीं जयपुर की बात की जाए, सुबह 6175, इस समय 6200-6225 रुपए के बाजार बताए जा रहे हैं। तो तेजी रही। अब खैरतड़ मंडी 5780 रुपए पर खुली, तेज खुली। अब आगे की यदि बात की जाए तो खैरतड़ मंडी, भरतपुर मंडी 5780 पर खुली, इस समय 5845 रुपए के ऊपर कामकाज करते हुए नजर आ रही है। खैरतड़ मंडी की बात की जाए तो 5870-80 के व्यापार होते हुए नजर आ रहे हैं। खेरली 5780, बड़ौदा मेव की बात की जाए तो लगभग 5950 रुपए, बहरोड 5950 रुपए, अलवर 5850 रुपए खुलकर इस समय 5925-30 के बाजार बताए जा रहे हैं। गंगापुर सिटी की बात की जाए तो 5880-90 के बाजार है, इस समय सुबह 5820 रुपए के बाजार थे। दूसरी ओर यदि हम बात करें हिंडोन सिटी 5867 रुपए के बाजार थे। वहीं यदि बात की जाए कोटा और बारा में भी आज जो सरसों के बाजार हैं वो 5700 रुपए 42 कंडीशन के मनते हुए नजर आए। दूसरी ओर यदि हम चले सुमेरपुर, तो सुमेरपुर रायडा जो मील डिलीवरी है वो 6140 रुपए के मनते हुए नजर आए। वहीं यदि बात की जाए टोंक, तो टोंक में आज 5880 रुपए के बाजार आज रहते हुए नजर आए। निवई में 5900 रुपए के बाजार रहे। मालपुरा की बात की जाए तो मालपुरा 6000-6025 रुपए 42 कंडीशन का व्यापार होता हुआ देखा गया। वहीं बात की जाए मेड़ता मंडी की, तो मेड़ता मंडी में जो 40 लैब के बाजार है वो 5750 रुपए के रहते हुए नजर आए। बयाना मंडी 5861 रुपए रही। इंडोन सिटी 5841 रुपए रही। यदि हम बात करें गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिलों की, तो यहाँ जो लैब प्लस माल है किसानी वो 1600 रुपए तक बिकता हुआ नजर आया। दूसरी ओर बीकानेर की बात की जाए तो बीकानेर मंडी 5550 के बाजार रहते हुए नजर आए। कमोबेश यही स्थिति शेखावटी रीजन में देखने को मिली, जहाँ चोरू झुंझुनू भी 5550-5600 के हेरफेर में बिकती हुई नजर आई। यदि अब बात करें हरियाणा के बाजारों को, तो हरियाणा के बाजारों में दादरी 6170 रुपए के बाजार रहे, 40 लैब मील डिलीवरी के 6070 रुपए के 40 लैब मील डिलीवरी के बाजार रहे। वही भिवानी 6000 रुपए के। यदि बात की जाए शिवानी, तो शिवानी मंडी भी आज 6000 रुपए के बाजार 40 कंडीशन के रहते हुए नजर आए। हरियाणा के बाजारों में सिरसा 5940 रुपए बिकती हुई नजर आई। आदमपुर मंडी 5725 रुपए के बाजार रहे। मंडी बोली पर रेवाड़ी की बात की जाए तो रेवाड़ी मंडी भी 40 कंडीशन की बात की जाए तो 6000 रुपए के बाजार मेल डिलीवरी के रहते हुए नजर आए। तो ये स्थिति आज बाजारों में देखने को मिली है। दूसरी ओर यदि हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के बाजारों की ओर, उत्तर प्रदेश में बात करें जब मथुरा मंडी 5580 रुपए, जगनेर मंडी की बात की जाए तो 5970-80 के बाजार रहते हुए नजर आए। वहीं बात की जाए बांदा वगैरह 5450-5550 रुपए के बाजार रहे। यदि बात की जाए इटावा, मैनपुरी, हाथरस वगैरह की, तो 5450-5500 नीचे में 5200 तक माल बिकता हुआ नजर आया है। वहीं
शामली और हापुड़ की बात की जाए तो 42 कंडीशन मील डिलीवरी बाजार 6,6100 रुपए के होते हुए नजर आए। यदि अब हम चले मध्य प्रदेश के बाजारों की ओर तो मध्य प्रदेश के बाजारों में अशोकनगर मंडी की बात की जाए तो अशोकनगर मंडी 5500 रुपए के बाजार रहे अशोकनगर मंडी 5500 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए। वहीं यदि हम बात करें ग्वालियर मंडी 5550-5600 रुपए के बाजार रहे। शोपुर की बात की जाए तो 5550 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए। भिंड और मुरैना की बात की जाए तो 41 लैब मेल डिलीवरी 5900 भिंड और 6000 रुपए मुरैना के रहते हुए नजर आए। ये कंडीशन आज के दिन देखने को मिली। यदि प्लांटों के भाव की बात की जाए तो प्लांटों के भाव में गोयल कोटा 50 रुपए तेज होकर 6000 रुपए पर रही। अडानी अलवर की बात की जाए सुबह 6100 रुपए अडानी अलवर 6075 बूंदी 6100 रुपए के बाजार रहे। वहीं सलोनी के यदि ताजा भाव की बात की जाए अलवर और कोटा 6625 शमशाबाद दिग्नेर 6600 मुरैना 6625 यानी 100 रुपए सलोनी प्लांट अपने हाई से नीचे। भरतपुर मंडी की बात की जाए तो कमोवेश 6025 का ट्रेड था, इस समय 5850 का ट्रेड है, लगभग 150-170 रुपए की मंदी है। तो मान के चले 5950-60 के तो पक्के बाजार थे। वो सुबह जिस दिन KLC की तेजी के साथ थोड़ा सा बाजार तेज खुला था, बाकी 100 रुपए अभी अपने हाई से बाजार नीचे है और करेक्शन बाजार में स्टैंड नहीं कर पा रही है।